दोस्तों कैसे हो। तो आज हम आपके लिए लेकर आए पॉपकॉर्न, जो कि हम पॉपकॉर्न को तेल में फ्राई करेंगे और देखते हैं कितने पॉपकॉर्न बनेंगे और कैसे बनेंगे। किसको पसंद नहीं है? मेरे को पसंद है, मेरी टीम को तो बहुत ही पसंद है। तो प्लीज़ यार इस वीडियो के लिए लाइक करें और चैनल करें सब्सक्राइब। तो यार सब्सक्राइब कर लो यार, यहाँ दुखता है जब आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो नहीं टाइम गंवाते हुए हम चलते हैं पॉपकॉर्न। हम अपनी फर्नेस की तरफ ले आए हैं इसको। हमारे पास यही एक भट्टी है, तो हम इसका यूज करेंगे। और तो हम इसमें पहले डालने वाले हैं रिफाइंड, तो रिफाइंड ऑयल, पहले ऑयल डालते हैं इसमें। पूरा 1 लीटर ऑयल डालेंगे इसमें अंदर। हमने इसमें पूरा अपना ऑयल को, रिफाइंड को इसमें डाल लिया। अब इसमें हम डालने वाले हैं पॉपकॉर्न। फर्नेस को करो चालू। तो ये मेरे पास है, जो तुम देख पा रहे हैं दो पैकेट हैं। एक 120 ग्राम की एक है, जो कि पूरी 240 ग्राम हो गया टोटल, मतलब एक पाव के समथिंग समझो। अब देखते हैं हमारे पॉपकॉर्न कितने बनेंगे इसमें। देखो हमारे पॉपकॉर्न बनने रेडी हो गए हैं। दोस्तों मैं देखता हूँ इसमें टेस्ट करके कैसा है, जो कि देखना खाने में कैसा लग रहा है। बिल्कुल हमारा जैसे पॉपकॉर्न है, पर थोड़ा नमक का हमारा टेस्ट नहीं है। अगर नमक हो तो पूरा पॉपकॉर्न हमारा रेडी लगता, पर अच्छा लगा। एक और टेस्ट करता हूँ। मजा सुना कर भी सही है। तो आपने देखा हमारे पॉपकॉर्न ऑयल में भी फ्राई हो गए। तो आपको आया हो कुछ इस वीडियो में मज़ा, तो कुछ नया देखने को मिला हो, तो उस वीडियो के लिए लाइक करें और चैनल करें सब्सक्राइब। और यार देखो ये तो मैं देखना भूल ही गया, मेरा पैंट ही जल गया। यार आपके लिए यार थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है तो चलता है, बट आप हमारी वीडियो को पूरी देखें और भी ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।